किसान भाइयों ये गन्ना अट्ठाईस इंच पर बोया हुआ है और जमाव देखिए कितना बढ़िया हो रहा है क्योंकि इसमें बोने के बाद में पैरों से मट्टी की गई हल्की हल्की और फिर बारिश पड़ गई पानी थोड़ा दिया था दे दिया था ये देखिए कितना अच्छा जमाव है अब कई दिन हो गए मौसम खुले हुए आज 25 तारीख है ना आज 25 है 25 को आज इसमें खेत सफेद हो गया इसमें कंटीमेटर निकाला जा रहा है देखिए बहुत अच्छा भान है इसके बाद मैडी मारोगे नहीं चले। ऐसे खुलाई हाँ पोवा बढ़िया निकल रहा अच्छा ये कंटीमेटर कहाँ का कुटेसरे का भाई यो हमारे यहाँ जाता सब कुटेसरे का एक कंटीमेटर चलाते हैं ये देखिए कितना बढ़िया भान कर रहा है और ये सुनील बता रहा है कि इसमें हम मैडी नहीं मारेंगे क्योंकि जमाव बहुत सुंदर है खूड़ चमक गए बहुत बढ़िया ये सुबह से इन्होंने इतना खेत जोत भी दिया ऊपर की जो डोली है मेंढल इसी को जोत रहे हैं बस मैडी क्यों नहीं मारने के क्या कारण है, तो जो है पोवा अच्छा हो बजरा वैसे चार दिन में सारा चमक जाएगा थोड़ा कंटीब्यूटर संभालने में तो मेहनत पड़ती है क्योंकि ऊंची डोड़ है लेकिन देखो चल बहुत बढ़िया है इस नवी को हमारे यहाँ लोलवा बोलते हैं कि लोलवे लोलवे में जुताई कर दी वैसा कर मैडी मार जब भी कुछ हर्ज नहीं और एक गैसी बनकर जल्दी जमता है मैंने देखा अगर घोट सी के मैडी मार दी जा ये जो पोवा चमक रहा सब निकल जाता है कोई नहीं रुकेगा लेकिन मालिक का मूड है कि मैडी नहीं मारनी एक बार हमने भी ऐसे किया था जमाव बहुत बढ़िया हुआ था एक पोवा सीधा रहा ना क्योंकि मिट्टी में दब के कई बार वो देर लगती है उसे उठने में अब आप करडे की बात करें तो देख लो करडा बहुत बढ़िया है बढ़िया खींच रहा कारण क्या है हर किसान दो बैल नहीं रख रख सकता खर्चे बहुत हो गए ये तो झोटा भी रखना रखना पड़े बुग्गी में चल जा और कंट्रीमेटर में वरना इसे भी कोई ना रखे भाइयों खड़ी इतनी महंगी होगी कल मैं लाया उन्नीस सौ की बोरी आई इंजन वाली और 60 किलो वजन है इतना महंगा रब तब हो गया साढ़े तेरह सौ की चने की चूरी है उसमें कुछ भी मिला दें क्या पता लग रहा साढ़े नौ सौ हज़ार रुपये का चोकर का कट्टा है भाइयों आठवें दिन भारी सपट जा रही है चार पांच पशु हैं सबको खोना पड़े इतना महंगा खर्चा है अगर हिसाब लगाया जाए तो दूध नहीं पी सकता आदमी सौ रुपये लीटर से ऊपर महंगा दूध पड़ रहा है सब कुछ जोड़ा जाए तो भाई यह है घर की चाय मिल जाए घर का दूध मिल जाए एक गिलास <coughs> इसलिए करना पड़ रहा है <coughs> और जो भाई दूध बेच रहे हैं वह उनके जी को पता क्योंकि दूधिया पैंतीस चालीस रुपये से ऊपर नहीं ले पा रहे उन्हें कुछ नहीं बच रहा लेकिन वो है समय कट रहा दूधिया से पैसा आ जा खलचूरी वाले के चले जाओ उधार के खलचूरी वाला भी नहीं दे दे भाई महीने पे पैसा दे देंगे दे वह ऐसी पहियाँ घूमता रहे बाकी है दुर्गति किसान की तो दोस्तों बात अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना नमस्कार दूसरा एक बात और रह गई थी चलो मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में भाई अगर ये मैडी नहीं मारते ना तो इसमें एक हफ़्ते बाद फिर एक बार कंटीमेटेड निकलना जाए तो ये घास जो गिल्ली है ना इसको जल्दी पानी की देने की कोशिश ना करें इसमें एक हफ्ते बाद में ये जो हवा है क्योंकि आज कल से मौसम खुल गया पछवा हवा चल पड़ी धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी और ये कितना सुंदर हो जाएगा और एक बार कंट्रीम्यूटर दोबारा काट कर तब इसमें कोई भी कीटनाशक जो भी डालनी है किसान को उसके सबकी अपनी अपनी राय है मैं बता दूं तो मेरी नहीं मानते आप अपनी चलावाए सब किसान हमारे गांव में भी ऐसा है अगर मैं किसी को ये दवाई बताने लगूँ अपनी मर्जी की तो वे आगे बता दें क्योंकि सब हमसे अकलमंद है होशियार हैं इसलिए अपनी पसंद है हम तो अगर करेंगे अपने गेहूँ में कोरोजन रखी है सिर्फ कोरोजन करेंगे जो भी एन पी के खाद डाई जो पहले नहीं गिर पाए उसे खुडो खूड खुड़ डाल के दोबारा जुताई कर देंगे वो फिर मिट्टी में दब जाएगा या उसको अब डाल के जैसे जुताई हो रही इसमें खूड में डाल के तब जुताई होनी थी और जो जुताई करते तो वो सारा खाद मिट्टी में दब जाता जो डी ए पी एन पी के जो भी डालना था श्री राम कार्टअप है और कितने कीटनाशक हैं फुराडोन है बहुत हैं भोजनों कितनी दुनिया भर के जहर है मार्केट में कुछ भी डाल सकते हो अभी हमारा घे का एक है मैं आपको अभी दिखाता हूँ भाइयों मैं अपने खेत पर आ गया हूँ राम राम, राम, राम साहब भाइयों ये हमारा घमों का इंक है इसमें हमने बोने के बाद राम राम, राम, राम भाई जो भी दवाई डालनी थी खाद वाद डी नहीं थी एंड वो था क्या बोलते हैं रामबाण और कार्टअप था ये हमने डाल दी थी और बोने के बाद में इसमें पैर फिराया फिर इसमें पानी दे दिया फिर हमें जैसे ये जुताई आया तो हमने इसमें कंटीवेटर ना चला कर रूटरावेटर चलाया था भाइयों और ये जमाव देखिए और इसमें हमने बीज जो बोया गन्ने का सारा बोया नीचे से ऊपर तक भाई इतना ध्यान रखा इसको मैं पहन रहा था अपने हाथ से दो दो आँख का मेरा पहन बताया है और इसमें जो भी पुली में दस पाँच गांडे मूड़े के निकलते थे हालांकि ठेकेदार ने निकाल ले फिर भी वो छोड़ गया जो बरीक बेकार गन्ना था मुझे लगा तो मैंने वो अलग निकाल दिया मूड़ों में अब देखो यहाँ पे जम नहीं रहा बिल्कुल भी ये देखिए अब या तो ये अब जमेगा या ख़राब है तो इसके लिए हमने नर्सरी तैयार कर रखी आठ एक आँख मैंने पैंट का खुद बोई थी वे तैयार हैं हालांकि हमने भी पन्नी में नहीं बोली ऐसी खाद डाल कर बो दी थी अब हम दो चार दिन में उनको यहाँ रोप देंगे क्योंकि फिर आगे मज़ा नहीं आएगा वो इससे भी बड़ी हो रही है इससे पहले बोई थी हमने क्योंकि बहुत से किसान क्या करते हैं जब खेत खाली दिखाई दे तो ईंख में मिड छोड़ दें गन्ने के और फिर ना पैंट पैंट के दबे हैं उसमें एक नुकसान है भाइयो ये तो हो गया बड़ा और वो दबा दबाया हमने जून में तो उसका गन्ना नहीं बनता वो मोना रह जा क्योंकि कुछ उसकी लंबाई नहीं होती ना अब वो जमेगा इतना बरसात आ जाएगी तो फिर वो जमेगा फिर घास हो जाएगी की दांती से भी कट सकता है फिर वो जो छेल मानता है ये जो बड़ा गन्ना है उसको दाब लेगा दाबने के बाद क्या होगा तो वो लास्ट तक वो बेचारा मोना ही रहेगा छोटा ही रहेगा हाँ अगले साल पोग्गा बन जाएगा पेटी के लिए तो बढ़िया रहेगा वो लेकिन एक साल तो हमारा ख़राब गया अब जैसी हमारी नर्सरी है यहाँ हमें लग रहा है छिदा है तीन फुट तक नहीं है ज़्यादा नहीं दो आंख दबा दो एक एक फुट की दूरी से यहाँ एक आंख दबा दो जैसे ये छिदा है तो ये नर्सरी अगले साल हम और सुधार करेंगे गिलास लाएंगे जिनमें छेद होता है नीचे या पन्नी में रखो क्योंकि उसको पन्नी पाड़ो और लगा दो और वो गिलास का तो ऐसा बताया उस गिलास को ही ऐसे ज़मीन में गाड़ दो वो कागज़ का है गल जाएगा अपने आप ही उसमें ज़रूरत नहीं उसको उखाड़ने की तो पेड़ उसमें मुरझाता नहीं अब जो हमारा ज़मीन में बोया हुआ ऐसे ही अब इसे उखाड़ेंगे तो ये एक बार को मुरझाएगा लेकिन शुरू की साल थी हमारी तजुर्बा तो कम था ये देखिए भाई ये जमाव तो मुझे बढ़िया लग रहा है इसका ये देखो अब इसकी हम खुदाई करेंगे पान सा अपने आप ही अगर टाइम मिला तो देखो रोटावेटर चलाने का भी रिजल्ट अलग ही है उसने ऐसा भान कर दिया बरीक बरीक सा और फिर पीछे पीछे वो उसके झाबे से का मैड़ा फिर गया तो भाइयों कैसा लगा आपको ये भाइयों तीस इंच पे बोया हुआ हमारा क्योंकि हमने दो इंच बढ़ा दिया आपके और अगली साल एक खेत हम अगर हमें टंच विधि पसंद आई तो देखो भाई वो बोंगे टंच सारा बड़े किसान तो हैं नहीं छोटे से हैं लेकिन अगर ये भी बोना पड़ा हमें तो इसकी तीस की बजाय हम इसे एक गज पर ले जाएँगे छत्तीस इंच में और नहीं तैंतीस से कम तो रखना नहीं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना नमस्कार